हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के जरिए आज आप लोगों को एयर कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या है और इसकी सही डिफिनेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और एयर कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है, सारा कुछ बिल्कुल सरल भाषा में आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि मेरे आरएसी से रिलेटेड कई सारे ग्रुप्स हैं, तो आप लोग यदि उस ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो ज्वाइंट हो सकते हैं। उसमें आप लोग आरएसी से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन और डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम एयर कंडीशनिंग की डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एयर कंडीशनिंग, तो सबसे पहले हम आप लोगों को एसी की डिफिनेशन बता देते हैं कि एयर कंडीशनिंग की डिफिनेशन क्या होती है। और तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जो हवा की कंडीशनिंग के अध्ययन से संबंधित है। मतलब एयर कंडीशनिंग जो है वो क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान की एक शाखा है जिसमें एयर कंडीशनिंग पर अध्ययन किया जाता है। यानी बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मानव आराम के लिए वांछनीय आंतरिक वायुमंडल परिस्थितियों की आपूर्ति और रखरखाव करना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो हमारा रूम है, स्थान है जहां पर हमको एयर कंडीशनिंग की जा रही है, उससे बाहर का जो मौसम हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वहां पर गर्मी हो, चाहे वहां का टेम्परेचर कितना भी अधिक हो या फिर वहां पर सर्दी हो, उसके बावजूद उसके विपरीत जहां पर हमको एयर कंडीशनिंग करनी है वहाँ पर हम मनुष्य के आराम के अकॉर्डिंग, कि जिससे ह्यूमन को कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ का वातावरण बनाएंगे, मनुष्य के आराम के अकॉर्डिंग वहाँ का हम वातावरण बनाएंगे। जैसे जिसके द्वारा किसी कमरे या स्थान का वातावरण मनुष्य के आराम के अनुकूल करना, जिससे कि मनुष्य को कंफर्ट फील हो सके, कि ऐसा ना हो कि वहाँ का टेम्परेचर हम ज़्यादा कर दें या कम कर दें, इससे कोई मतलब, जिस हम वहाँ का टेम्परेचर मनुष्य के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, वहाँ का ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जहाँ पर हमको एयर कंडीशनिंग की जा रही है कि वहाँ का ऐसा वातावरण होगा कि मनुष्य को कंफर्ट फील हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एयर कंडीशनिंग, जिससे ह्यूमन जो भी ह्यूमन है, मनुष्य है, उसको आराम फील हो, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बाहरी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पर हम मनुष्य को कम्फर्ट फील कराना है, प्लेस हो या फिर कमरा हो, वहाँ पर मनुष्य के अकॉर्डिंग हर चीज़ मेंटेन करके उसको आराम पहुंचाना ही एयर कंडीशनिंग है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बिना एयर कंडीशनिंग सिस्टम अधूरा है, या वो फैक्टर्स कूलिंग, इसमें कुछ मुख्य फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टरों से मिलकर एयर कंडीशनिंग बना है। तो हम उन फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे बिल्कुल डिटेल से। तो द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द एयर कंडीशनिंग, चार मुख्य कारक होते हैं एयर कंडीशनिंग में, टेम्परेचर कंट्रोल, नंबर दो ह्यूमिडिटी कंट्रोल, नंबर तीन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, नंबर चार मोशन ऑफ एयर कंट्रोल। नंबर एक टेम्परेचर कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग में तापमान के नियंत्रण का अर्थ है किसी भी वांछित तापमान को संलग्न स्थान के भीतर बनाए रखना, भले ही बाहरी हवा का तापमान वांछित कमरे के तापमान से ऊपर हो या फिर नीचे हो, या तो मांगे जाने वाले पर संलग्न स्थान से गर्मी को जोड़ने या हटाने के द्वारा पूरा किया जाता है, या देखा जा सकता है कि जब हवा 21 डिग्री सेल्सियस पर 56% सापेक्षिक आर्द्रता के साथ होती है तो मनुष्य को कंफर्ट फील होता है। मतलब टेम्परेचर कंट्रोल मतलब है कि जैसे एक कमरे में एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है और उसके बाहर का जो तापमान हो, कुछ भी हो, चाहे अधिक हो या फिर कम हो, तो उसके विपरीत यहाँ पर एयर कंडीशनिंग लगा है, वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल करना मनुष्य, जिससे मनुष्य को मान लो आराम फील हो, जैसा कि जितने टेम्परेचर पर मनुष्य को आराम फील हो उतना टेम्परेचर मेंटेन करना, तो क्या हो गया टेम्परेचर कंट्रोल, कि हम टेम्परेचर को अपनी आवश्यकता अनुसार मेंटेन करेंगे, कि हमको जितने डिग्री सेल्सियस पर हमको आराम हो रहा है उतने पर हम इसको रखेंगे, तो क्या होगा इसको क्या कहेंगे टेम्परेचर कंट्रोल। नंबर दो पे है ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, तो यदि ह्यूमिडिटी बिल्कुल जीरो होगी तब भी हमारे शरीर को दिक्कत है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी हो जाएगी तब भी हमारे शरीर को बहुत दिक्कत है, तो इसको भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसा कि बताया गया कि हवा की नियंत्रित आर्द्रता का मतलब है कि गर्मी या सर्दी के दौरान हवा की नमी में मात्रा कमी या वृद्धि क्रमशः आरामदायक और स्वस्थ स्थिति पैदा करने के लिए होती है। मतलब जो नमी होती है वो सर्दी या गर्मी के दौरान हमारे शरीर में की स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है, जिससे मनुष्य को आराम फील हो। आर्द्रता जो नमी होती है उसका नियंत्रण केवल मानव आराम के लिए आवश्यक है, बल्कि श्रमिक की दक्षता को बढ़ाता आराम के लिए तो भी आवश्यक है, बाकी इसके कई सारे फायदे हैं। सामान्य तौर पर कुछ एयर कंडीशनिंग के लिए सापेक्षिक आर्द्रता 7% से कम नहीं होनी चाहिए, और जबकि शीतकालीन एयर कंडीशनिंग के लिए या 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि हमारे शरीर में नमी नहीं होगी तो क्या होगा? यदि मान लो नमी हमने बिल्कुल कम कर दी तो क्या होगा? हमारी त्वचा जो होगी रूखी हो जाएगी। सर्दियों में आपने देखा होगा कि नमी की स्थिति बहुत ही कम हो जाती है तो हमारी त्वचा जो होती है रूखी हो जाती है, खुजली होने लगती है। तो गर्मियों में जो आर्द्रता होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 60%। और जो ठंडियों में इसका लेवल जो होना चाहिए वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, और सर्दियों में जो है 60% से अधिक, 7% गर्मियों में जो आर्द्रता होनी चाहिए वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और सर्दियों मतलब शीतकालीन जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जिसमें हम हीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी का बहुत रोल है हमारे शरीर के लिए, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। नमी को कंट्रोल करना ही ह्यूमिडिटी कंट्रोल कहलाता है। अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट की, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। मतलब प्यूरिफिकेशन, कोई भी चीज़ है उसको प्यूरिफाई करना, मतलब जैसे हवा है उसको शुद्ध करना। तो यदि हम हवा को शुद्ध नहीं करेंगे और गंदी हवा सांस के द्वारा अंदर जाएगी तो क्या होगी? अंदर हमारे बहुत सारी बीमारी पैदा होंगी जिससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हमको एयर को प्यूरिफिकेशन भी किया जाता है। तो जैसा कि बताया गया है, मानव शरीर के आराम के लिए यह आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण कारक देखा गया है कि दूषित हवा में सांस लेने से लोग सहज महसूस नहीं करते, भले ही वह स्वीकार तापमान और आर्द्रता सीमा के भीतर हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हवा को धूल और अन्य अशुद्धियों से मुक्त रखने के लिए उचित निष्पादन और सफाई की शुद्धिकरण आवश्यक है। प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है? यदि हम गंदी सांस अंदर जाएगी, डस्ट भरी सांस जाएगी तो क्या होगा? हमारे शरीर को हानि होगी, इसलिए इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर का मुख्य कारक है। मतलब एयर को शुद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, कि मोशन ऑफ एयर। कि एयर का मोशन जो है, मान लो एयर जो एसी होता है, मोशन ऑफ एयर, हवा की गति या संचरण एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जिसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है ताकि पूरे वातानुकूलित स्थान में तापमान स्थिर रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि वातानुकूलन होने के लिए पूरे स्थान में हवा का समान वितरण हो। मतलब जैसे कमरा है, कमरे में पंखा इसलिए लगाया जाता है ताकि पूरे कमरे में हवा का सर्कुलेशन हो। मान लो एसी को हम एक कोने में लगा देते हैं तो वहीं पर एयर फेंकता रहेगा, उसी के नीचे हमको कूलिंग लगेगी, बाकी कमरे में कूलिंग होगी नहीं। तो क्या होगा? एयर का सर्कुलेशन भी करना जरूरी है, मोशन भी जरूरी करना है, क्योंकि जिस कमरे में हमको कूलिंग चाहिए उस कमरे में पूरी कूलिंग हवा फैलती रहे बराबर, ताकि जो कमरे का तापमान है वो बराबर सामान्य रहे। तो हमको एयर मोशन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मुख्य चार कारक हो, जब भी आप लोग एसी की डिफिनेशन बताएंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या है, तो आप लोग डिफिनेशन बताएंगे, और वो डिफिनेशन जो है इन्हीं चार कारकों से मिलकर बनी है। और ये चार कारक जब आप बताओगे किसी को, पर फैक्टर्स जब बताओगे किसी को, तभी एयर कंडीशनिंग की परिभाषा जो है वो मानी जाएगी, अन्यथा आप वो डिफिनेशन आपकी, जब तक आप लोग ये कारक नहीं बताओगे तब तक एयर कंडीशनिंग इन कारकों के बिना पूरी ही नहीं होती है। तो आगे चलते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ मुख्य पॉइंट और भी बता देते हैं। आराम की आवश्यकता, मनुष्य के लिए आराम की भावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जिन पर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। मतलब जब भी कोई एसी बनाया जाता है तो कुछ ह्यूमन कंफर्ट के लिए कुछ कारक हैं, वो कारक कहीं अन्य से नहीं आए हैं, इन्हीं पॉइंटों से निकले हैं, उनको हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। तो बढ़ते पॉइंटों की ओर, तो 6 पॉइंट है
टोटल एयर प्योरिटी, तो एयर प्योरिटी आप लोग बता दिया है कि एयर को शुद्ध करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हमारे शरीर को हानि हो सकती है, तो एयर प्योरीफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर इमिटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स, तो मॉइस्चर आप लोग को हमने बताया है कि ज़रूरत से अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, तो क्या होगा, मॉइस्चर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है कि मॉइस्चर जितना हमको आवश्यक है उतना मॉइस्चर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिमूवल हीट इमिटेड ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, तो हीट को भी रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है बहुत सारी हीट को निकलता है, तो क्या होता है कि उस हीट को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हीट रिमूव करेंगे तब भी हमको दिक्कत है, और अगर हम नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है, तो हीट रिमूव भी करना ज़रूरी, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो हीट निकालता रहता है, तो हीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, एयर कंडीशनिंग के द्वारा। नंबर फोर पे है टू प्रोवाइड द सफिशेंट एयर मोशन इनेबल इनफॉर्म एयर डिस्ट्रीब्यूशन। सफिशेंट एयर मोशन मैंने बताया था कि एयर को मोशन करना, जैसे आपका बड़ा हॉल लगा हुआ है एक कोने में एसी चल रहा है, तो क्या होगा वहाँ की हवा अपने आप दूसरे कोने में उड़ के नहीं पहुँचेगी, तो क्या होगा उसके लिए हमको एयर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसके लिए फ़ैन वगैरह लगाया जाता है ताकि फ़ैन खींच के पूरे कमरे में हवा फैलाए, तो ये भी पॉइंट है एयर डिस्ट्रीब्यूशन करना। नंबर फाइव है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द रिमूवल ऑफ CO2, मतलब क्या होगा कि मान लो हम सारे सिस्टम कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि मान लो हमारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, कोई भी कमरा यदि उसके खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो क्या वहाँ पर क्या होगा कि CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 निकालता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी देखा जाएगा कि कितना ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, जैसा कि हॉस्पिटल में देखा गया है जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होता है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है 100 रखा जाता है, ताकि जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति होता है ऑपरेशन थिएटर में तो उसको जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसकी सांस लेने की गति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके शारीरिक बहुत सारी शारीरिक क्रिया होती है, तो वहाँ पर 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जिससे पेशेंट को सुरक्षित रखा जा सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है 100% रखा जाता है। नंबर सिक्स पॉइंट है टू कंट्रोल मॉइस्चर ऑफ कंटेंट्स ऑफ एयर, तो जैसा कि मैंने बता दिया कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, एयर जो होती है उसमें मॉइस्चर कितने परसेंटेज होना चाहिए उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सारे कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं ह्यूमन कंफर्ट के लिए, और जैसा कि मैंने बता दिया चार फैक्टर्स हैं एयर कंडीशनिंग के, जो एयर कंडीशनिंग होती है वो चार ही फैक्टर्स से मिलकर बनी है। जब आप एयर कंडीशनिंग परिभाषा बताएंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और प्योरीफिकेशन ऑफ मोशन, ये चार पॉइंट जरूर बताएंगे, इन्हीं चार पॉइंट जब मिलेंगे तभी एयर कंडीशनिंग का शब्द पूरा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को एयर कंडीशनिंग की डिफिनेशन और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।